कैंसर, वेलकम टू गुरु मांडी टैरो। और ये रीडिंग है अगस्त के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस थर्ड वीक में। मैसेजेस फॉर कैंसर, एस ऑफ वॉन्ड्स, Three of Wands, Eight of Chalices, Five of Chalices, Queen of Pentacles। तो हमारे पास थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ कैंसर कोई सोच रहा है कि उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए या नहीं, उन्हें आपसे कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। ये पर्सन पूरी तरह से अपने हालातों से मजबूर है। पहले उन्होंने इस रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दी और अब वो जानते नहीं कि उनका क्या इम्पोर्टेंस है आपके बिना। ये पर्सन क्लियरली रिग्रेट कर रहा है। फाइव ऑफ चैलेंजेस देख रहे हैं आप। इस पर्सन को इस बात का अफसोस है कि वो आपको वो नहीं दे सके जिसकी आप हकदार थे। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को इस बात का भी अफसोस है कि इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ना चूज किया, या फिर आपको वजह दी अपने से खुद से दूर जाने की। क्योंकि एट ऑफ चैलेंजेस के साथ ये पर्सन अब सोच रहा है कि जो कप्स इन्होंने रिजेक्ट किए, क्या इन्हें रिजेक्ट करने चाहिए थे। इस पर्सन की बहुत कंप्लेंट्स हो सकती हैं आपसे कि आपने इनके लिए ये नहीं किया, आपने उनके लिए वो नहीं किया, आप जितना कर सकते थे आपने नहीं किया। एंड यू नो, आपकी बस एक ना के वजह से इन्होंने आपके सारे फेवर्स को भुला दिया, या कह सकते हैं कि जितना कुछ भी आपने इनके लिए किया था ये एक पल में भूल गए, क्योंकि आपने किसी एक बात पे अग्री होने से मना कर दिया, या किसी एक सिचुएशन में इनकी हेल्प करने से मना कर दिया क्योंकि आप हेल्पलेस थे। और ये पर्सन इसी बात को लेकर इतना ज्यादा सेल्फिश हो गया कि उन्होंने अपने बारे में या आपके बारे में भी नहीं सोचा। और अब इस पर्सन को लग रहा है कि ये जो ब्लेसिंग उन्हें मिली थी यूनिवर्स से एस ऑफ वॉन्ड्स के तौर पे, वो अब यू नो किसी भी तरीके से वापस नहीं पाई जा सकती। इस पर्सन को इस बात का डर है कि अब वो रिजेक्ट हो जाएंगे, या आपकी सोच उनको लेके पूरी तरह से बदल चुकी होगी, आप अब किसी भी तरीके से वापस नहीं आएंगे। ये पर्सन अभी भी सोच रहा है कि क्या उन्हें नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए, क्या उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए। ये पर्सन बार बार आपके दरवाजे पे आके वापस लौट जाता है क्योंकि इनकी नॉक करने की हिम्मत नहीं है। इन्हें पता नहीं कि ये आपको कैसे फेस करें, स्पेशली वो सब करने के बाद जो इन्होंने किया। यहाँ पे ये शिप खड़ी है, ये चाहे तो जर्नी कर सकते हैं पर नहीं कर पा रहे। इनका गिल्ट, इनका रिग्रेट, इनका शेम इन्हें रोक रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को शायद ऐसा लगा कि इनकी हर चीज पे आपका ही, सॉरी, आपकी हर चीज पे इनका ही हक है, और ये किसी भी चीज को क्लेम कर सकते हैं। शायद ये पर्सन आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करना भूल गया,
आपके पर्सनल स्पेस को रिस्पेक्ट करना भूल गया, आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था या आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, एंड अब उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं अब और वो नहीं जानते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। शायद इसलिए पर्सन बिल्कुल चुप है और आप समझ नहीं पा रहे कि इनका इरादा क्या है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज ऑफ चैलेंजेस, द स्टार, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ द ईयर। तो हमारे पास कार्ड है पेज ऑफ चैलेंजेस का। पेज ऑफ चैलेंजेस के साथ कुछ ड्रीम्स हैं जो रियलिटी में बदलने वाले हैं। अगर आप ये सोच रहे थे कि ये पर्सन आपकी अहमियत को समझे और इस पॉइंट पे अब शायद आपकी एक ही विश है कि ये पर्सन ये समझ पाए कि आपने इनके लिए क्या किया है और ये इन बातों को कन्फेस करें, तो कन्फेस करने में कुछ समय लग सकता है कैंसर पर। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन कन्फेस जरूर करेगा, ओके, क्योंकि आप इस सिचुएशन से विक्टोरियस इमर्ज हो रहे हैं, यानी इन हालातों में जीत आपकी ही होगी। यानी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये समझ में आएगा कि आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आपने हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट किया है, तो जैसा आप चाह रहे थे चीजें वैसी ही होंगी। हालांकि कुछ वेट करना होगा, पर ये स्टार आप है इस पर्सन के लिए और ये पर्सन अब आपको ही फॉलो कर रहा है। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकती है आपको इस सिचुएशन को लेके। आप समझ नहीं पाएंगे कि अब आप क्या करें, क्योंकि ये पर्सन एकदम साइलेंट है और आपको कुछ अंदाजा नहीं लग पा रहा कि आखिर आगे होने क्या वाला है। खैर, कुछ समय वेट कीजिए, क्योंकि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है तो जैसा आप सोच रहे हैं चीजें वैसी ही टर्न आउट होंगी, एंड फिर द व्हील ऑफ द ईयर भी है, तो आपकी जो विशेष हैं उसको लेके आगे बढ़िए। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, तो उसमें भी यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा, आपके स्पिरिट गाइड आपका सपोर्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको वेट करना चाहिए, तो उसमें भी स्पिरिट गाइड्स आपका सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, एंड आगे बढ़िए। ये सिचुएशन ऐसी है जहां पे आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्स ने अपने हाथ में कमांड ले ली है, तो सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। कैंसर, ऑथर, यू हैव अ बुक इनसाइड यू दैट विशेस टू बी एक्सप्रेस्ड, मेक द टाइम टू राइट इट। तो आप ऑलरेडी बहुत वाइज हैं, बहुत समझदार हैं और शायद आप ऐसी चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जो दूसरे लोग नहीं समझ पाएंगे, एंड इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप चीजों को लिखें।
जरूरी नहीं कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमेशा दूसरों से शेयर करें, लिख के भी आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर कर सकते हैं, और ये भी एक थेरेपी की तरह आपके लिए काम करेगी। तो ये है रीडिंग अगस्त के थर्ड वीक की, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।